मध्य प्रदेश के हर जिले में शव वाहन चलाए जाएंगे। शव वाहन चलाने की योजना के लिए एक समिति बनाई गई है। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने योजना तैयार की है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग इस समिति के मेंबर्स होंगे। तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। उनकी इस समिति में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग मेंबर्स होंगे। तो शव वाहन किस तरह से पूरे प्रदेश के हर जिले में चलाए जाएं, इसको लेकर एक समिति बनाई जा रही है जो रूपरेखा को फाइनल करेगी। मध्य प्रदेश के हर जिले में शव वाहन चलाने की तैयारी है। दरअसल कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें शव वाहन नहीं मिल पाता और फिर वो खुद ही किसी तरह बंदोबस्त करते हैं। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब एक समिति बनाई जाएगी जो शव वाहन किस तरह से हर जिले में चलाए जा सके उसके लिए काम करेगी। बिल्कुल, देखिए दरअसल ऐसा नहीं कि अस्पताल में व्यवस्था जरूर होती है शव वाहन की, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था या हर जो बड़े बड़े अस्पताल है केवल उन्हीं में है। अब ये समिति बनाई गई है जो लोक कल्याण, जो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के जरिए ये समिति बनाई गई है। इसमें खुद जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है राजेंद्र शुक्ल वो अध्यक्ष है इस समिति के, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग इसके सदस्य बनाए गए हैं। ये तय करेगी कि कैसे पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी ना हो। अमूमन जब कोई हादसा होता है या फिर अस्पताल में किसी के परिजन की डेथ हो जाती है तो फिर उन्हें शव वाहन, शव को घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है, तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तस्वीरें अमूमन हमने देखी है। मीडिया भी अक्सर ऐसी तस्वीरें चलाता है कि शव घर ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला है। इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए इसमें जो समिति बनाई गई है विचार विमर्श करेगी, इसका कोई निष्कर्ष निकालेगी कि कैसे प्रदेश में शव वाहनों की व्यवस्था कराई जाए ताकि जो आम जनता है जिनके पास संसाधन नहीं है और किसी हादसे का उनके परिजन शिकार हो गए या किसी बीमारी के बाद किसी की डेथ हो गई, तो उन्हें आराम से बगैर किसी परेशानी के शव वाहन मुहैया कराया जा सके बगैर किसी बड़े चार्ज के। जी प्रशांत कटारे, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं, शाम को दिल्ली रवाना हुए हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। दोनों ही नेताओं से हाईकमान हार की रिपोर्ट लेगा। चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज इस बार 2% कम हुआ है, तो ऐसे में करारी हार के कारण क्या रहे, क्या वजह रही, उनकी रिपोर्ट ये दोनों नेता देंगे कांग्रेस हाईकमान को। अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अशरफ, आज एमपी कांग्रेस के दो बड़े नेता पहुंचे हैं हाईकमान को बताने कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इतनी करारी हार क्यों मिली। अपर्णा, देखिए अभी तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करेंगे और उनको रिपोर्ट देंगे। हालांकि आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, वो अपनी पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं कि हम क्यों हारे, और ये हार जो है वो बहुत बड़ी है। जैसे विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने पहले जो स्थिति थी, जो विधानसभा चुनाव 2023 हुए, तो वो वहाँ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से करारी हार, जबकि ये अब उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकता है सरकार बनाने, लेकिन अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भी कहा गया कि नहीं, हम बहुत अच्छी पोजिशन में हैं, कम से कम 6-7 सीटें हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि जो चुनाव नतीजे आए हैं वो बिल्कुल इनके कांग्रेस दावों के बिल्कुल विपरीत है, शून्य आया है। 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीती है और मजबूत जो उनके वो डिफरेंस होता है वो बहुत, वोटों की जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति जो है मध्य प्रदेश में लगातार खराब हो रही है विधानसभा चुनाव से। बिल्कुल अशरफ, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश तो मानो वो सब्जेक्ट बन गया है, या फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का सब्जेक्ट बन गया है कि बाकी विषयों में तो बच्चा अच्छा कर लेता है लेकिन मैथ्स में बेचारा कमजोर पड़ जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए मैथ्स बन गया है।
बिल्कुल, कांग्रेस एक तरह से मैथ्स ही मान लीजिए, केमिस्ट्री मान लीजिए, बहुत बुरी स्थिति में है आज मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व से इन्होंने कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, विधानसभा चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, युवाओं को मौका दिया गया, उनके अनुसार टिकट बांटे गए, लेकिन परिणाम जो है फिर भी अपेक्षाकृत नहीं आए। तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं खफा भी है, और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक ही दिन में दोनों प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बुलाया जा रहा है। सुबह कमलनाथ की मुलाकात, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी जाहिर तौर पर। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट देने के बाद में किस तरह से एक नई रिपोर्ट तैयार होती है कि आखिरकार किसकी वजह से हारे। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जिस तरह से अशरफ जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में आज सुबह से पहले कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और छिंदवाड़ा समेत पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो हार की समीक्षा की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या किया गया और क्या किया जा सकता है इसको लेकर चर्चा हुई। हमने मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। उधर मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर पहली बार बुरी तरह से मिली हार के बाद कांग्रेस निराश भी है, हताश भी है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि ना युवा नेतृत्व कुछ अच्छा रिजल्ट दे सका, ना बुजुर्ग नेता अपना गढ़ बचा पाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस असमंजस में है और भविष्य अधर में दिख रहा है। 2014 और 19 में जब मोदी लहर अपने चरम पर थी तब भी कांग्रेस अपना गढ़ गुना और छिंदवाड़ा बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट है। कांग्रेस नेता भी पार्टी में बड़ी सर्जरी की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस की हालत पर तंज कस रही है। वो सत्ता हो या विपक्ष हो, हर पार्लियामेंट के बाद, आप तो दिल्ली भी रहे हैं, आपने देखा है, दोनों ही दल जो बड़े हैं वो अपनी तब्दीली करते हैं। तो अब सत्ता बनने के बाद दिल्ली में कौन काबिज होगा, उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल सर्जरी होगी और दिल्ली के बाद उसकी आंच प्रदेशों में भी आती है। एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कहते थे कभी पार्टी गई तेल लेने, कांग्रेस ने 29 सीटें हारी हैं। सिर्फ 27 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है प्रत्याशी। कांग्रेस के प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में होगा बड़ा बदलाव। खबर भोपाल से है जहां मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बदलाव की तैयारी में है। मुख्य सचिव वीरा राणा के एक्सटेंशन से पहले नया सीएस मिलेगा। डीजीपी सुधीर सक्सेना का कार्यकाल भी 2 मार्च को पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव के दावेदारों में डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम है, मोहम्मद सुलेमान, एसएन मिश्रा के भी नाम है। केंद्र में पदस्थ अनुराग जैन का नाम भी चर्चाओं में है। मंत्रालय में लंबे समय से पदस्थ विभाग अध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। वहीं ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की सुगबुगाहट पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां से लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे तबादला उद्योग की शुरुआत बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का बचाव किया और कहा कि प्रशासनिक जमावट जरूरी है। इसे आप सर्जरी बोलने लग गए आजकल, ये तो पहले इसको उद्योग कहते थे, तो तबादला उद्योग शुरू होगा और तबादला उद्योग जो है हर चुनाव के बाद तेजी से शुरू होता है। अभी 5 महीने में जितने आईएएस अधिकारियों के और आईपीएस अधिकारियों के और बड़े सीओज के ट्रांसफर हो चुके हैं, तो या तो रिचार्ज समाप्त हो चुका होगा या नया रिचार्ज उन्हें करवाना पड़ेगा।
देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही संदेश दिया था कि सरकार मजबूत इकबाल के साथ काम करेगी और कड़े फैसले लिए जाएंगे। आचार संहिता के समय कई फैसले रुक गए थे, अब आचार संहिता हटी है, तेजी से फैसले लिए जाएंगे। प्रशासनिक जमा फेरबदल भी इस सुविधा के हिसाब से किया जाएगा, साथ ही मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में एक मजबूत इकबाल वाली सरकार है और मजबूत इकबाल का संदेश दिखाई भी देगा।